بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون اور اللہ ہی کے لیے اصل عزت ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے لیکن منافقین اس بات کو نہیں جانتے صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصطفیٰ اور مجتبیٰ بنا کے بھیجا ساری مخلوقات میں سے اللہ نے انسان کو چنا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ساری مخلوقات کے اوپر فوقیت دی پھر ان میں سے اللہ تعالیٰ نے اولیاء و صلحاء کو چنا ان میں سے پھر جو تابعین عظام کا جو مرتبہ ہے وہ عام انسانوں سے بڑھ کر ہے پھر جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا مرتبہ اور مقام بنایا وہ تابعین سے بھی بڑھ کر ہے اور جو مرتبہ اور مقام اللہ نے نبیوں کا بنایا سارے انسان مل جائیں وہ کسی ایک نبی کی پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے پھر انبیاء میں سے اللہ نے 5 اولوالعزم رسل بنائے
फिर उन पांच उलुल अज़म रुसुल में से सबसे बड़ा मुकाम व मर्तबा अल्लाह करीम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। न इस बात में कभी कोई शक था, न है न कभी होगा। सिर्फ मुसलमानों को और अहले ईमान को नहीं, काफिरों को भी इस बारे में कोई शक नहीं। अल्लाह अकबर। एक ज़ात है, एक हैसियत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहैसियत ज़ात, एक हैसियत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहैसियत रसूल। जो आपकी ज़ात है उसको उस दौर के काफिर भी मानते थे और आज के दौर के काफिर भी मानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आला इंसान कोई दुनिया में आया ही नहीं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ, मैं अगर कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा है और जो अभी तुम्हारे ऊपर हमलावर होने वाला है, तो तुम्हारा क्या ख्याल? तो सब ने कहा कि हम फौरन मान जाएंगे, इसलिए मान जाएंगे कि आपने 40 बरस में कभी गलत बयानी नहीं की, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। इस बात को अबू लहब भी मानता है, अबू जहल भी मानता, सारे काफिर मानते, किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला है, यही तो उनको तकलीफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं, यही उनको तकलीफ है। दुनिया के मजाहिब मजाहिब के मुकाबले में आ जाते, दुनिया के नजरियात नजरियात के मुकाबले में आ जाते हैं, शख्सियात शख्सियात के मुकाबले में आ जाती, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा जब है ही कोई नहीं तो वो कहां से लाएं? वो अपने अपने बानियाने मजाहिब को पेश करते हैं, लेकिन सारी दुनिया के तमाम बानियाने मजाहिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कद काठ और आपके शान के मुकाबले में बौने महसूस होते हैं। किसी के पास कोई हैसियत नहीं है। सारी दुनिया के बानियाने मजाहिब मिल जाएं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पांव के खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। अब बात यह है कि अबू लहब और अबू जहल को इस बात पर कोई एतराज नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन हिजाज में कोई नहीं, उनको इस बात पर कोई एतराज नहीं कि आप जैसा किरदार रखने वाला कोई नहीं, उनको इस बात पर कोई एतराज नहीं कि आप जैसा सच्चा कोई नहीं, उनको इस बात पर कोई एतराज नहीं कि आप जैसा अमानतदार कोई नहीं। बल्कि जिस रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मनसूबा बन रहा था, उस वक्त भी उन बदबख्तों की अमानतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पड़ी थी। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को तस्लीम करते, उस दौर का काफिर भी मानता था और आज के दौर का काफिर भी मानता है। माइकल हार्ट को किताब लिखनी पड़ी, जब उसने किताब लिखी दुनिया के 100 बड़े आदमी, तारीख के 100 बड़े आदमी, तो वो मजबूर हुआ कि उसने सबसे पहले नंबर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। ये उनकी मजबूरी क्या है? उनकी मजबूरी इसलिए है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा है ही कोई नहीं। कोई होगा? यह है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। आप जात के एतबार से सारी कायनात से, अल्लाह के बाद सारी कायनात से अफजल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है जो हसन दर्जे की
मुत्तलिब बिन अबी वदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो रावी हैं, वो कहते हैं कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बाहर से आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बैठ गए और बयान करते हैं फकअन्नहु समिअ शैयन। रावी कहता है ऐसे लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में कोई नागवार बात सुन के आए थे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। अब कुफार को तकलीफ थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात सुनी हो, फकअन्नहु समिअ शैयन, आके उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की। फकाम अलल मिंबर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हो गए। आप पूछते हैं मन आना, सहाबा किराम बैठे हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं मन आना, बताओ तो मैं कौन हूं। सारे सहाबा ने कहा अंता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलामु अलैक, आप पर सलामती हो, आप अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन यहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हैसियत रसूल नहीं पूछ रहे थे, आपने फरमाया अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, रसूल की हैसियत अलग है, यहां मैं बात कर रहा हूं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब की, मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फरमा के फिर आपने बताया इन्नल्लाह ताला खलकल खल्क, सुन लीजिए कुफार को तकलीफ क्या है, फरमाया इन्नल्लाह ताला खलकल खल्क, अल्लाह ने जब सारी मखलूकात पैदा की फजालनी फी खैरहिम, मुझे सारी मखलूकात में से बेहतरीन बनाया, मजालहुम फिरकतैन, फिर उनको अल्लाह ताला ने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, फजालनी फी खैरहिम फिरकतन, मुझे उस हिस्से में रखा जो कायनात का बेहतरीन हिस्सा था, थुम्मा जालहुम कबाइला, फिर अल्लाह ने लोगों के कबीले बना दिए, फजालनी फी खैरहिम कबीलतन, मुझे अल्लाह ने कबीले के एतबार से उस कबीले में रखा जो कायनात का बेहतरीन कबीला था, सुम्मा जालहुम बुयूतन, फिर अल्लाह ने उनके छोटे छोटे घराने बनाए, फजालनी फी खैरहिम बैतन, मुझे उस घराने में रखा जो कायनात का बेहतरीन घराना है, फआना खैरहुम नफसन वआना खैरहुम बैतन, अब मैं घराने के एतबार से भी सारी कायनात में से बेहतरीन हूं और अब मैं जात के एतबार से भी सबसे बेहतरीन हूं। तो जब उस जैसा है ही कोई नहीं तो तकलीफ तो होगी ना लोगों को, उनको तो मसाइल होंगे, लिहाजा दुश्मनाने इस्लाम हमेशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हर्जा सराई करते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं। इसी तरह मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत वासिला बिन अस्का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने नस्लों में से जो बेहतरीन नस्ल बनाई है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल बनाई, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से भी जो आले इस्माइल है वो अल्लाह ने बेहतरीन नस्ल बनाई। फिर फरमाया इन्नल्लाह इस्तफा किनानत मिन वलद इस्माइल, औलाद इस्माइल में से अल्लाह ने किनाना को मुंतखब किया, वस्तफा कुरैशन मिन किनाना, और किनाना में से अल्लाह ने मुस्तफा और मुजतबा बनाया कुरैश को, वस्तफा मिन कुरैशन बनी हाशिम, और कुरैश में से अल्लाह ने चुन लिया बनी हाशिम को, वस्तफानी मिन बनी हाशिम, और बनी हाशिम में से मुझे चुन लिया। सुभान अल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफा व मुजतबा, यह है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, आपकी हैसियत जात। लेकिन यह जाती हैसियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका कोई जवाब दुनिया के किसी काफिर के पास भी नहीं, और उनको तकलीफ है,
लेकिन जब वो गिनती करते हैं तो उनको कोई नजर नहीं आता, चाहे कदीम काफिर हो चाहे जदीद काफिर हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किरदार के एतबार से, शान के एतबार से, उरूज के एतबार से, मुस्तफा और मुज्तबा होने के एतबार से और सारे जो आला तरीन अखलाक हो सकते हैं उनके एतबार से अगर पहले नंबर पर अबू लहब को भी, अबू जहल को भी और जदीद दौर के अबू लहबों और अबू जहलों को भी अगर कोई नजर आता है तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बस एतराज उनको किस बात पर है? एतराज इस बात पर है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वही जगह है, आप पूछते हैं मैं कहूं पहाड़ के पीछे लश्कर छुपा है तो सब मानते हैं। जब आपने फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे भी बड़े खतरे से खबरदार करता हूं, यह छोटा खतरा है, इससे बड़ा खतरा तुम्हारे सरों पर मंडला रहा है, अगर शिर्क में मुबतला रहोगे तो पकड़े जाओगे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत का पैगाम दिया तो ना अबू लहब मानता है ना अबू जहल मानता है, वही जुबान अकदस है, वही जात अकदस है। लिहाजा एक बात जहन में रख लीजिए कि जो असल एतराज काफिरों को है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत रिसालत पर है, आपके मनसबे रिसालत से उनको तकलीफ है। वगरना अगर सिर्फ जात के एतबार से बात होती तो ना उस दौर के काफिर को एतराज था ना आज के दौर के काफिर को एतराज है। एतराज है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो आपको मनसब दिया गया, यहूदियों को भी क्या तकलीफ थी, जिसको भी तकलीफ हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब रिसालत की वजह से। अल्लाह अकबर, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशाउ मिन इबादिही, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला ने जिसको चाहा अता फरमा दिया। ये फजल, ये एहसान अल्लाह का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। अब इस बात के बाद ये जहन में रखिए कि जितनी भी रिसालत के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर हमले हुए हैं, आपकी शान में हर्जा सराइयां हुई हैं, वो कदीम काफिरों की तरफ से हों या जदीद काफिरों की तरफ से हों, जितनी भी आपकी शान में हर्जा सराइयां हुई हैं अल्लाह अकबर, वो रिसालत पर हुई हैं, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पर नहीं हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एतराज हुआ है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सुहैल बिन अमर लिखवा रहा है मुआहदा हुदैबिया तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला लिख दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहता है कि अगर ये मान ले तो फिर झगड़ा ही क्या है, यही तो नहीं मानना। अल्लाह अकबर, एक ही झगड़ा है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ झगड़ा नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ झगड़ा। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि आप मिटा दें, झगड़ा कर रहे हैं ना, मुआहदा हो रहा है तो चलें आप रसूलुल्लाह मिटा दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इनकार कर दिया, मैं नहीं मिटा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कहाँ लिखा है, आपने अपने दस्ते मुबारक से मिटा दिया कि मुआहदा हो रहा है, काफरों को हम वो बात लिख देते हैं जिस पर उनको एतराज नहीं है, और वो क्या है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, लिख दिया वहां पे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद रसूलुल्लाह काट दिया, क्योंकि काफरों को इस पर एतराज नहीं था। लिहाजा जहन में रखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा बयान करना, आपको दुनिया कायनात से हसीन करार देना, आपको दुनिया कायनात से आला करार देना, आपकी शान में नाते कहना, आपको सारी दुनिया से बेहतर अखलाक करार देना, ये जितना मर्जी करते रहे ये तो इस पर तो किसी काफिर को भी एतराज नहीं। एतराज किस बात पर है? एतराज इस बात पर है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेके आए हैं ना उस पर एतराज।
लिहाजा समझ लीजिए, तहफ्फुज़े हुर्मते रसूल वालों, पहले रसूल की हुर्मत का तायुन कीजिए कि रिसालत की हुर्मत है क्या। रिसालत की हुर्मत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा बयान करना नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करना आपकी रिसालत की हुर्मत नहीं है। ये तो तारीख का काफिर भी मानता है, तारीख के हर दौर का काफिर मानता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं। आप लगे रहे, कितने हिंदू हैं, कितने सिख हैं, कितने अंग्रेज हैं, कितने ईसाई हैं, कितने यहूदी हैं, जब वो लिखने बैठते हैं तो उनको दुनिया में पहले नंबर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को रखना पड़ता। एतराज किस बात पर है? रिसालत पर। और जो हुर्मत है वो किसकी है? रिसालत की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एहसान कुरान कहता है, लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज बाअसा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, एहसान कब हुआ? जिस दिन रिसालत आई। इज बाअसा, ये इज वक्त का तायुन कर रहा है, ये हद फासिल कायम कर रहा है। क्या हद फासिल कायम हो रही है? एहसान उस दिन हुआ है, इज बाअसा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जिस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बने हैं उस दिन एहसान हुआ है। अब ये किस दिन रसूल बने हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सबको पता है, जिस दिन इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक की वही नाजिल हुई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत का पैगाम मिला है। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी उम्र थी? आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 40 वर्ष। अब इसका मतलब यह है कि जो असल एहसान हुआ है ना, वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपका वरूद मसूद, आपका वजूद मसूद हजार बरकतों वाला है। आप इस सारी दुनिया से चुने हुए हैं, आप मुस्तफा हैं, आप मुजतबा हैं, लेकिन उम्मत पर वो एहसान नहीं है। एहसान ये है कि आपको रसूल बना के भेजा। लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज बाअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलु अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफी ضلالٍ مبين। हद फासिल कायम हो रही है, जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बना दिए गए, जो मान लेगा रसालत को वो गुमराही से निकल आएगा, वगरना उससे पहले गुमराही ही गुमराही थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत आ जाने के बाद जो रिसालत के साथ जुड़ेगा वो गुमराही से बच जाएगा, जो रिसालत के साथ नहीं जुड़ा वो गुमराही में रहे। ये है हद फासिल। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले, आपकी शान में हर्जा सराई करने वाले सिर्फ आज के दौर में नहीं हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी थे। अल्लाह ताला ने इसीलिए तो फरमाया, इन्ना कफ़ीना कल मुस्तहज़ईन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान में जो इस्तेहज़ा करते हैं हम खुद काफ़ी हैं उनके लिए। तो इसका मतलब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस्तेहज़ा करते थे, सीरत की किताबें भरी पड़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कौन करते थे? काफिर। अल्लाह अकबर। और काफिर अगर, और आज के दौर में भी हमने देखा फलां मुल्क के फलां अखबार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हर्जा सराई की, वो भी काफिर, मुल्क भी काफिर, अखबार भी काफिर, उसका एडिटर भी काफिर। और काफिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हर्जा सराई करते रहे, ये तारीख के हर दौर में हुआ है। असल जो अलमिया हुआ है मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, वो असल अलमिया जो इस दौर में आके हुआ है वो ये हुआ है कि जो अपने आप को मुसलमान कहने वाले हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुजार गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हर्जा सराई,
वो इस वक्त जिन्होंने आपकी शान में गुस्ताखी की है उनके नाम मुसलमानों वाले हैं, मुसलमानों के घरों में पैदा हुए हैं और एक ऐसे मुल्क के शहरी हैं जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये अलमिया हुआ है, ये तारीख में कभी नहीं हुआ। तारीख के हर दौर के काफिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हरदम सराई करते रहे, आपकी रिसालत पर एतराज करते रहे हैं और काफिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज न करे तो वो क्या करे? उसके पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई हो तो वो लाए ना मुकाबले में। जब आप जैसा है ही कोई नहीं तो सिवाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करने के उनके पास कोई तरीका ही कोई नहीं है। काफिर करे, हमें कोई एतराज नहीं है। इसलिए एतराज नहीं है कि काफिर का कुफर खुल के सामने आता है। हम तो लड़ रहे थे तहफ्फुज़े हुर्मते रसूल के लिए कि काफिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां क्यों करते हैं। ये दिन भी हमने देखना था कि हमारे मुल्क में अपने आप को मुसलमान कहने वाले और नाम निहाद पढ़े लिखे लोग और फिर कोई छुप छुपा के करे तो और बात है, पूरी दुनिया के सामने सोशल मीडिया के ऊपर सारी दुनिया को बता के कि ये हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये दिन देखने से पहले हम मर जाते तो हमारे लिए बेहतर था। और हमने ये दिन देखा और फिर हम उसको कबूल करके बैठे। इमाम इब्ने तैमिया अलैहि रहमा का फतवा है, अल्लाह अकबर, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो ये पूरी उम्मत इज्तिमाई तौर पर जिम्मेदार है कि उस गुस्ताख से बदला ले। और उस गुस्ताख से बदला क्या लेना है? देखें, काबा की हुर्मत, अल्लाह अकबर, ये अल्लाह ने अमन का घर बनाया है काबा। तो जो इब्ने खतल था ना, अब्दुल्ला बिन खतल, हदीस में आता है कानू यहजुन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशेर, उसका जुर्म ये था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के शेर लिखता था, शेर कहता था। आपने हुक्म जारी फरमा दिया, मन रा मिनकुम इब्न खतल, तुम में से जिसको भी इब्न खतल नजर आए फक्तुलूहु, जो भी मिले उस जिसको भी मिले उसको पकड़ के कत्ल कर दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ले आम का हुक्म जारी फरमा दिया। उस बदबख्त को पता चला कि एक ही जगह है जहां मैं बच सकता हूं, अल्लाह अकबर। और जब वो किसी ने देखा तो काबा के पर्दे के अंदर छुप के ऊपर चढ़ के, अंदर छुप के ऊपर चढ़ के लटका हुआ, यानी नीचे से भी ऊपर। तो किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इब्ने खतल जो है मुअल्लकुम बिअस्तारिल काबा, और काबा के अंदर तो कोई होता था तो सगे बाप का कातिल भी होता तो कोई उसको कुछ नहीं कह सकता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्ने खतल जो है मुअल्लकुम बिअस्तारिल काबा, वो तो काबा के पर्दे के अंदर लटका हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फक्तुलूहु हुना, उसको वही कत्ल कर दो, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का गुस्ताख, उसको वही कत्ल कर दो। क्या गुंजाइश बाकी रह जाती है? ये हमारी स्टेट, हमारी रियासत, देखें गुस्ताख रसूल, उसकी सजा मौत से कम है ही कोई नहीं, कोई सजा नहीं, एक ही सजा कि उसको जिंदा रहने का हक नहीं है। ये सजा देनी है रियासत ने, रियासत बेगैरत हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? हुकूमत बेगैरत हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह, आज हम इस महफिल में तहफ्फुज़े हुर्मते रसूल की इस महफिल में अल्लाह हम इस ऐलान के बाद इस बात से बरी हैं, जो रियासत बेगैरती कर रही है हम उससे बरी हैं।
हम ऐलान करते हैं कि अगर हमारे हाथ में इख्तियार हो, अगर हमारे पास अथॉरिटी हो, तो हम कुफार को एक मिनट, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां करने वालों को एक मिनट भी जिंदा ना देखें और एक मिनट भी जिंदा ना रहने दें। अल्लाह, हम बोल सकते हैं, हम पूरा गला फाड़ के बोल रहे हैं। अल्लाह, हम कह सकते हैं, हम कह रहे हैं कि अल्लाह, आज अगर तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख इस धरती पर जिंदा है, अल्लाह इसके मुजरिम बाइख्तियार तबका है, इसके मुजरिम हुक्मरान है। हम आवाम इन हुक्मरानों को अल्लाह का खौफ दिलाते हैं कि अपनी आकबत बचानी है तो आज इन गुस्ताखों को पकड़ लीजिए, और अगर ये नहीं करते तो मैं और आप, हम सब, हम बरी जिम्मा इस तरह हो सकते हैं कि हम अपने अपनी जगह पर, अपने अपने लेवल पर, अपनी अपनी सतह पर अगर हम अपनी अथॉरिटी नहीं रखते तो कम अज कम जुबान से तो कहते रहें, जो हुक्मरान मिले उसको कहें, जो बाइख्तियार मिले उसको कहें। ये इसलिए कहना है कि हमारी अपनी आकबत खतरे में है, हम अपना अंजाम बचा लें, अपनी आकबत बचा लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को, आपकी रिसालत की हुर्मत को उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ जब सारे कुफार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे, और आज भी कुछ नहीं होने वाला। हमसे तकाजा क्या है? हम अपनी आकबत बचाएं, हम अपने आप को बचाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वो आला अरफा बुलंद, और उनको बचाने वाला, उनका तहफ्फुज़ करने वाला खुद अल्लाह करीम खुद फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग जितने मर्जी बकवास कर लें, उनसे बचाने वाला अल्लाह है। इन्ना कफ़ईना कल मुस्ताज़ीन, ये गुस्ताखियां करने वालों को हम खुद काफी हैं। तो उम्मतियों, तुमसे ये तो तकाजा ही नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की हुर्मत का तहफ्फुज करो, तुमसे तकाजा ये है कि अपनी आकबत बचा लो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से जुड़ के। तुमसे तो तकाजा ही इतना है। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई हिदायत के साथ नहीं जुड़ता, अब मसला क्या, झगड़ा क्या है? मैंने अर्ज किया, तारीख ये बताती है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी काफिर को कोई एतराज नहीं। एतराज है तो रिसालत पर है, रिसालत ही वो हिदायत है। वह इनकानू मिन कबल लफी दलाल मुबीन, जिसके साथ मकसद रिसालत नहीं जुड़ा, जिसकी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई हिदायत के मुताबिक नहीं, इसका मतलब है वो गुमराही की जिंदगी गुजार रहा है, उसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब मैं और आप, मैं आपको अर्ज करता हूं कि ये क्यों हुआ कि मुसलमान कहने वाले अपने आप को और अपने जुबान से कलमा पढ़ने वाले, मुसलमानों के घर पैदा होने वाले और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाले, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जुर्रत कैसे हुई? मैं अभी अर्ज करता हूं उसकी वजह। लेकिन ये बात जहन में रख लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत रसालत का तहफ्फुज वो सिर्फ आपके जिम्मे ये है कि आप और मैं, हम सब सच्चे उम्मती बन जाए, सिर्फ ये जिम्मे है और कुछ नहीं। आप उम्मती बन जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई हिदायत के मुताबिक। कुरान कहता है इन्ना अरसलना का शाहिदम मुबशिरम व नदीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज्जिरूहु व तुअक्किरूहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता क्यों आए हैं? हमारी जिम्मेदारी क्या है? फरमाया सबसे पहली जिम्मेदारी लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पर सब ईमान लाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतराज है। और आज भी
जो कलिमा नबी का पढ़ता है, हिदायत किसी और की इस्तेमाल करता है, गोया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मुर्तकिब होता है। असल गुस्ताखी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से इख्तिलाफ, बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो नहीं मानता उसकी बजाय किसी और की मानता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इससे बड़ी गुस्ताखी क्या होगी। जब हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा था ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल हम शर में थे, अल्लाह ने हमें खैर अता फरमाई, आप तशरीफ ले आए, क्या इस खैर के बाद भी कोई शर है? फरमाया हाँ है। क्या उस शर के बाद भी कोई खैर है? फरमाया हाँ है, खैर तो है। वफी दखन, लेकिन उसमें धोखा है, उसमें मिलावट है, उसमें रला है। खैर हो है, लेकिन उस खैर में मिलावट, दखन धोखा। साहबी पूछता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मा दखन हो, वो दखन क्या है, वो धोखा क्या है? फरमाया वो धोखा ये होगा कि आइम्मतु यहदूना बेगैर हदी, तकरीरें करने वाले होंगे, बड़े बड़े मौलवी होंगे और मनोभारी खुतबे देने वाले होंगे, लेकिन वो जो हिदायत दे रहे होंगे वो मेरी लाई हुई हिदायत नहीं होगी। यह है धोखा, यह है धोखा। खैर के नाम पर शर फैलाया जा रहा है, हिदायत के नाम पर गुमराही फैलाई जा रही है। जो हिदायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नहीं है तो फिर बाकी तो सारी गुमराही है। इज बाअसा फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, व इन कानू मिन कबलु लफी दलाल मुबीन, सारी गुमराही है। हिदायत सिर्फ वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए। लिहाजा हमारे जिम्मे क्या लगा? लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अपने आप को मुसलमान कहने वालों, तुम्हारे जिम्मे सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। और दूसरी बात, अच्छा ये ईमान लाना भी क्या है? ईमान लाना ये नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे सोने, सबसे मनमोने, ऐसी जुल्फें, ऐसा सरापा, ये ईमान नहीं है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। अल्लाहु अकबर। फरमाया कि किसी भी शख्स ने जिसने सुन लिया ला यस्मा या ला यस्माउ बी मिन हादिहिल उम्मा यहूदियुं वला नसरानियुं, कोई भी शख्स हो मेरी उम्मत का, चाहे उम्मत दावत है चाहे उम्मत इजाबत है, इस उम्मत में से किसी भी शख्स ने यह सुन लिया कि मेरे बारे में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं, अल्लाह अकबर, वलम युमिन बिमा उरसिल्तु बिही, और उस चीज पर ईमान न लाया जो मैं लेके आया हूं अल्लाह की तरफ से, रिसालत, बिमा उरसिल्तु बिही, जो मैं दे के भेजा गया हूं ना, उस पर ईमान नहीं रखता। फरमाया इल्ला काना मिन असहाबिन नार, वो पक्का जहन्नमी है जिसने रिसालत को नहीं माना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपकी रिसालत का तहफ्फुज, वो आपका सरापा बयान करना नहीं है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते रहना, आपको मखलूकात में से बेहतर करार देते रहना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूकात से बेहतरीन हैं, ये अपनी जगह आपके कमालात और आपके अखलाक का तज़किरा करना, ये भी उसी वक्त मुफीद है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान हो।
और ये है ईमान, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि, अल्लाह पर ईमान और जिसने जिस मकसद के लिए जिसको भेजा है उस पर ईमान। और फिर फरमाया व तुअज़्ज़िरू, दूसरी जिम्मेदारी मेरी और आपकी, यहां इस मजलिस में बैठे हुए समझ लीजिए मेरी आपकी जिम्मेदारी क्या अल्लाह ने लगाई है। व तुअज़्ज़िरू हो, तुअज़्ज़िरू हो का माना है मदद करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करो। कुरान हमारी ड्यूटी लगा रहा है, पहली ड्यूटी ईमान और दूसरी ड्यूटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करो। ताज़ीर उस मदद को कहते हैं, एक नुसरत होती है, नसर होती है, एक होती है ताज़ीर। इसमें फर्क यह है, ताज़ीर भी मदद है, नुसरत भी मदद है। नसरू के अल्फाज भी आते हैं सूरह आराफ की 157 नंबर आयत में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करो, लेकिन तुअज़्ज़िरू खास मदद है। ताज़ीर उस मदद को कहते हैं, एक मदद वो होती है कि जो हम किसी फकीर की करते हैं, दिल के अंदर कोई बहुत एहतराम का पहलू नहीं होता, ऐसे ही किसी की मदद कर देना। बाज़ औक़ात हम किसी बड़े की मदद करते हैं, कभी किसी छोटे की मदद करते हैं, तो नुसरत आम है किसी की मदद भी करना, लेकिन जो ताज़ीर है ये खास है, इसमें मदद के अंदर एहतराम और अजमत का पहलू शामिल होता। लिहाजा वो ऐसी मदद करो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, व तुअज़्ज़िरू हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कतान कोई कमी ना हो, आपका पूरा एहतराम मलहूज रखते हुए आपकी मदद करो। और मदद क्या होती है कि जब कोई शख्स कहता है मेरी मदद करो, तो मदद क्या होती है? दो चीजें हम आम तौर पर मदद, जब कोई भी कहता है ना मदद करो, तो दो चीजें समझी जाती है। एक तो यह समझा जाता है कि कोई फिजिकली मदद की जरूरत होगी, कोई धक्का लगाना है, किसी को उठाना है, कोई पंड चुकानी है, कोई इस तरह की कोई मदद यह हो सकती है फिजिकली। या फिर मदद होती है माली तौर पर, आप किसी को कहें कि प्लीज मेरी मदद कर दें, तो वो इसके अलावा कोई बात नहीं समझता कि या इसको कोई फिजिकल मदद की जरूरत है, कोई जिस्मानी मदद की जरूरत है, या फिर माली मदद की जरूरत है, इन दो के अलावा तो कोई मदद होती ही नहीं। तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मदद की जरूरत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन दोनों किस्म की मदद की जरूरत ना उस वक्त थी ना अब है। जिस्मानी मदद, फरमाया इन्ना कफ़ीना कल मुस्तादीन, आपका मजाक उड़ाने वालों को हम खुद काफी हैं, अल्लाह फरमाता हम काफी हैं, उम्मतियों से मदद लेने की जरूरत नहीं। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, लोगों की करतूतों से, लोगों के सारी हर्जा सराइयों से अल्लाह आपका तहफ़ुज़ करेगा, और जिसका तहफ़ुज़ अल्लाह कर रहा हो उसकी नामूस को कोई फर्क, उसको कहीं कोई जरूरत हो सकती है इस तरह की मदद की। फिर दूसरी मदद हो सकती है माली, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माली मदद की जरूरत थी? आज की बात नहीं मैं कर रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ फरमा थे तो आपने माली तौर पर, आपने जो मफलूकुल हाली की जिंदगी गुजारी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह की जिंदगी गुजारी वो गुलामों की का सा तर्ज जिंदगी था, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई माली मसाइल नहीं थे, ये तर्ज जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इख्तियार किया था, आपने खुद इख्तियार फरमाया था। इशा की अजान शुरू हो गई, चले मैं मुकम्मल करता हूं, ये एक अजान सुन लें फिर उसके बाद मैं मुकम्मल करता हूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस किस्म की मदद की जरूरत थी? आपको ना जिस्मानी मदद की जरूरत थी, ना आपको माली मदद की जरूरत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज जिंदगी था ये आपका इख्तियारी था। आपने सुभान अल्लाह, एक हदीस के अंदर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फरिश्ता आया, ये नबूवत के इब्तदाई दिनों की बात, और वो फरिश्ता आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور ساتھ پوچھتے ہیں ان شیتا نبیین عبدن و ان شیتا نبیین ملکن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبی تو ہم نے بنا دیا، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے بادشاہوں کی سی زندگی گزارنی ہے یا غلاموں کی سی زندگی گزارنی، کیسا نبی بننا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک طرف دیکھا تو جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے ان کی طرف دیکھا کل مستشیر لہو، مشورہ لینے کے لیے ان سے پوچھا کہ جبریل مشورہ دے دو کیا کہنا ہے، تو جبریل علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، فرمایا فاشار بیدہی، جبریل نے ہاتھ سے اشارہ کیا اندع نفسک، نیواں پاسا قبول کر لے، دع نفسک، چھوٹی بات، نیچے والی سائڈ، بادشاہ نہیں بننا۔ فرمایا قلت بلا نبی عبد، میں نے کہا اللہ میں نے غلاموں کا سا طرز زندگی اختیار کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا عائشہ لو شیتو لسارت معی جبال الذہب والفضہ، اے عائشہ میں اگر چاہتا نا تو سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چلتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا، کیوں نہیں چاہا؟ اس لیے نہیں چاہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کی سی زندگی گزاری ہوتی تو ہم غریب غربا کہاں جاتے؟ ایک غریب آدمی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل پیرا ہی کیسے ہو سکتا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیوں کا خیال تھا، اپنے غریب اور مفلوق الحال امتیوں کا خیال تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم احینی مسکینن وامتنی مسکینن واحشر لی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین، اللہ مجھے مسکین ہی زندہ رکھنا، مجھے مسکین ہی مارنا، مجھے قیامت کے دن مسکینوں میں سے اٹھانا۔ نماز ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی سلام پھیرا، لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے جلدی جلدی گھر تشریف لے گئے۔ لوگ حیران، خیر ہو سوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد اطمینان کے ساتھ واپس تشریف لے آئے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کبھی نہیں کیا، آج کیا ہوا؟ فرمایا نماز میں یاد آیا تھا ایک چھوٹی سی ٹکڑی سونے کی گھر پڑی رہ گئی تھی، مجھے خوف لاحق ہوا کہ کہیں وہ صدقہ کیے بغیر میری موت واقع نہ ہو جائے، اس لیے جلدی جلدی بھاگا بھاگا گیا ہوں، اب میں صدقہ کر کے آ گیا ہوں، اب میں اطمینان کے ساتھ آ گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو دینے کے لیے تشریف لائے، آپ کو مالی مدد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو پھر کیا مدد ہے؟ جو ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے، جو ہمارے ذمے لگایا ہے، وہ کیا مدد ہے؟ تعزروہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مدد کی ضرورت ہے؟ آپ کو مدد کی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو کھڑا کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت پر عمل پیرا ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے تو دین کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں تو پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کے باقی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے مطابق گزارنے کا وعدہ کر لیں، یہ ہے تحفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو نقصان آپ کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرق نہیں پڑتا۔ آپ کا فرمان سنا ہوا ہے نا، کل امتی یدخلون الجنہ، اللہ کتنا بڑا اعزاز ہے، فرمایا میرا ہر امتی جنتی ہے، میرا ہر امتی جنتی ہے۔ تو پھر کون جنت میں نہیں جائے گا؟ صرف وہ نہیں جائے گا نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے، جو امتی ہے وہ تو جنتی ہے۔ کل امتی یدخلون الجنہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم امتی ہونے کا ثبوت پیش کرو، امتی ہونا ثبوت مانگتا ہے۔ ہمارے ذمے یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ثبوت پیش کریں، امتی ہونے کا ثبوت پیش کر دیا تو جنت پکی،
کل امتی یدخلون، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ آپ کا ہر امتی اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہے، بطور امتی جڑا ہے، آپ کی لائی ہوئی ہدایت کے ساتھ جڑا ہے، آپ کو رسول مان کر آپ کی رسالت کے ساتھ جڑا ہے، اور اس نے زندگی اسی بات پر گزار دی ہے، تو جو اس طرح زندگی گزارتا ہے وہ جنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو، الا من ابا، جو خود ہی انکار کر دے۔ کس بات سے انکار کرے؟ جنت میں جانے سے انکار کرے یا امتی ہونے سے انکار کر دے؟ جس نے امتی ہونے سے انکار کیا یا جنت میں جانے سے انکار کیا، ایک ہی بات ہے۔ جس نے امتی ہونے سے انکار کیا وہ جنتی نہیں ہے، جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا وہ امتی نہیں ہے، ایک ہی بات ہے۔ اللہ، بچے گا وہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرتا ہے جنت میں جانے سے؟ فرمایا وہ انکار کرتا ہے من اطاعنی فدخل الجنہ، جو میری باتیں مانتے ہوئے۔ دیکھیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے۔ فرق تو یہ ہے، اللہ کی مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے۔ من اطاعنی، جس نے میری بات مان لی، فدخل الجنہ، سادہ سا اصول ہے، کوئی توپ سائنس نہیں ہے، میرے اور آپ کے ذمے یہی تحفظ حرمت رسول ہے، میرے اور آپ کے ذمے یہی ہے، ہم امتی بن جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی نہ کرائیں۔ اللہ اکبر، من اطاعنی فدخل الجنہ ومن عصانی، جس نے میری بات نہیں مانی فقد ابا، وہ ایسے ہی جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اور وہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پہ پانی پلا رہا ہوں گا، اللہ اکبر، لوگ گروہ کے گروہ میرے پاس آ رہے ہوں گے، وَإِنِّي مُقَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمِ، اور میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا کہ دیکھو میری کتنی امت آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا أَلَا إِنِّي فَرَتُكُمْ عَلَى الْحَوْزِ، او میرے امتیو، سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہم کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے اندر محسوس کریں۔ أَلَا، خبردار ہو کے سنو، انی فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا فرت بن کے جا رہا ہوں۔ فرت عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو قافلہ جانا ہوتا تھا نا، تو فرت کا مطلب ہوتا ہے پیش رو، پہلے جانے والا۔ تو جہاں قافلے نے سفر کرنا ہوتا تھا تو عرب ایک شخص کو پہلے بھیج دیتے تھے، وہ جا کے انتظامات کرتا تھا، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے، قافلہ پڑاؤ کہاں کرے گا، لکڑیاں کہاں سے لے گا، پانی کہاں سے لے گا۔ جو انتظامات کرنے کے لیے پہلے جاتا ہے وہ فرت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو ارشاد فرما رہے ہیں الا انی فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ تمہارا فرت بن کے جا رہا ہوں، تمہارے لیے پانی پینے کا انتظام کروں گا۔ فرمایا وَأَنزُرُكُمْ، امتیوں میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اور آپ کو فرما رہے ہیں میں تمہارا انتظار کروں گا۔ وَإِنِّي مُقَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمِ، جب زیادہ زیادہ آؤ گے نا تو پھر میں تو دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اس حدیث کے جو اگلے الفاظ ہیں میں ایک منٹ کے لیے روکتا ہوں، اور اس حدیث کو ساتھ شامل کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم آ رہے ہوگے گروہ در گروہ میرے پاس پانی پینے کے لیے، اور ایک گروہ آئے گا اور فرشتے اس کو روک لیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ میری امت ہے، 124,000 نبیوں کی امتیں ہوں گی، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میری امت ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت جو ہوگی نا اس کے اعضائے وضو قیامت والے دن روشن ہوں گے، غرم محجلین من آثار الوضو، میری امت جو ہے وہ تو دور سے پہچانی جائے گی
कि उसके आज़ाए वुजू रोशन होंगे, तो इसका मतलब है जो नमाज नहीं पढ़ता उसके आज़ाए वुजू क़यामत के दिन रोशन नहीं होंगे, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से वैसे ही खारिज है। और रह गए वो जो नमाजी हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हदीस में आता है, हत्ता इदा अरफ्तुहुम वयअरिफूननी, मैं उनको पहचान लूंगा वो मुझे पहचान लेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कैसे पहचानेंगे, आज़ाए वुजू से ही पहचानेंगे ना, जो निशानी बताई इसका मतलब है नमाज तो पढ़ते होंगे। अल्लाह अकबर, फरमाया कि मैं उनको पहचान लूंगा वो मुझे पहचान लेंगे, इसके बावजूद फरिश्ते रोक लेंगे, फरिश्ते कहेंगे कि ये आपकी उम्मत नहीं है, मैं कहूंगा मेरी उम्मत है। मुझे कहा जाएगा कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जानते नहीं हैं, इन्नक ला तदरी मा अहदथु बादक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इल्म नहीं है आपके दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद इन्होंने आपके दीन का क्या हशर किया, इन्होंने क्या कुछ नया पैदा कर लिया, अपनी तरफ से चीजें बना ली, आपका दीन रहा ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हालांकि मैं पहचान चुका हूंगा, मैं कहूंगा सोहकन सोहकन, इनको दूर ले जाओ, मुझसे दूर ले जाओ, उनको घसीट के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आ रही हो, आप उसका इंतजार कर रहे हो, उम्मत वहां पहुंच ही ना पाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का तहफ्फुज तो यह है भाई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं हदीस मुकम्मल करके बात खत्म कर रहा हूं, अला इन्नी फरतकुम अलल हौज, लोगो उम्मतियो मैं तुमसे पहले फरत बन के पेशरौ बन के इंतजाम करने के लिए, तुम्हारे लिए प्यालों का इंतजाम, पीने का इंतजाम, बैठने का इंतजाम करने के लिए पहले जा रहा हूं, अंजुरुकुम तुम्हारा इंतजार करूंगा, व इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम, और दूसरी उम्मतों पर फख्र करूंगा जब ज्यादा ज्यादा से आओगे, फला तुसव्विदु बिवजही, क़यामत के दिन मेरी रुसवाई ना करा देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हुर्मत, अपने तहफ्फुज़े हुर्मत की, हुर्मते रिसालत की दुहाई दे रहे हैं कि क़यामत के दिन मेरी रुसवाई ना करा देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को कुछ नहीं हो रहा, आपकी रिसालत को कुछ नहीं हो रहा, आपकी ज़ात को, आपकी शान को कुछ नहीं हो रहा, अल्लाह ने आपकी शान के तहफ्फुज़ का जिम्मा उठाया है। अगर हो रहा है तो हमारे अंजाम को फ़र्क पड़ रहा है, हमारी आकबत खराब हो रही है, हमारी आकबत खराब होगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन शर्मिंदगी होगी, उस शर्मिंदगी से बचा ले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उम्मत जहन्नम से बचेगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी होगी। तो आज हमारे जिम्मे क्या है कि आज हम यहां से उठने से पहले ये वादा कर लें कि अल्लाह आज से पहले जितनी गलतियां कोताहियां हो गई तो माफ़ कर दे, आज के बाद हमारी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई हिदायत के मुताबिक गुजरेगी, हम एक एक लम्हा देखेंगे कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या हुक्म फरमाया। अगर हम आज से ये वादा कर लें तो इंशाअल्लाह हम उम्मत भी बन जाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का तहफ्फुज़ भी होगा, आपकी रिसालत का तहफ्फुज़ भी होगा, और हम उम्मती बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इकट्ठे हो जाएं। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ के लिए कह रहे हैं, दुआ मेरे ख्याल नमाज के बाद कर लें, इसलिए कि 8:15 हो गए हैं, नमाज लेट हो रही है, अजान दें और नमाज पढ़ लें, नमाज के बाद इंशाल्लाह दुआ करते हैं।